आप लोग कई बार देखते रहते होंगे कि जीनोम इंडिया परियोजना के बारे में हमेशा सुनते रहते होंगे। देखिए, इसमें आपका सिविल सर्विस हो या कोई स्टेट पीसीएस हो या कोई वनडे एग्जाम हो, इनके आपका जो वनडे एग्जाम या ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है, और आपका लिखित परीक्षा यानी कि मेंस में भी आपका क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि काफी चर्चा में भी है और काफी महत्वपूर्ण भी आपके लिए। तो इसके बारे में जान लेंगे कि आखिर जीनोम इंडिया परियोजना क्या है, आखिर जीनोम क्या होते हैं, इसका लाभ क्या है इस परियोजना का, उसे भी हम लोग देख लेंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि जैव तकनीकी विभाग ने जीनोम इंडिया परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के 4 स्थानीय उपसमूहों के नैदानिक नमूनों के संग्रहण हेतु नैदानिक नमूना संग्रह केंद्र के रूप में पुणे का चयन किया है। कहाँ का? पुणे का। याद रखिए, तकनीक इस तरह से विकसित हो रही है कि मुझे लगता है कि अगर आप मान लीजिए आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए हैं या सामाजिक स्थिति से पिछड़े हुए हैं, ये कोई मायने नहीं रखेगा आने वाले समय में। मायने रखेगा तो आप तकनीक से किस हद तक जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप देखिए, एक समय आप भी आज देखते हैं कि जो तकनीक से नहीं जुड़ा हुआ है वो कहाँ पूरी तरह से एक देश दुनिया से कटा हुआ है। कभी आप एक सीधा सा उदाहरण लीजिए, आप कि ट्रेन की आप सफर करते हैं कभी, तो आपने देखा होगा कि कई लोग झांक के देखते रहते हैं स्टेशन पर कि ट्रेन कब आ रही है। उनके झांकने से क्या ट्रेन जल्दी आ जाएगी? ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं, तकनीक से जुड़े हुए हैं, तो आप देखते हैं अपने मोबाइल में जो भी फोन रहता है उसमें चेक करते रहते हैं कहाँ आ चुकी है, कितना टाइम लगेगा, हमें कितने समय पर पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से आपको लाभ ही तो है इस तकनीक का। उनको आप देख लीजिए जो बिना पढ़े लिखे हैं, उनकी स्थिति क्या रहती है। तो इसीलिए कहता हूं कि इतने तो जानकार रहिए कि हर तरह से। और बैंक की आप लोग ले लीजिए, बैंक के लिए आप लोग देखते हैं कि जब आपको पासबुक एंट्री करवानी है या पैसा निकालना है, जमा करना है, तो आप घंटों 2 घंटे तक लाइन में लगे रहते हैं। मान लो चला कि आपका नंबर आया, तब तक वो एक तरह से कह देते हैं कि सर्वर खराब हो गया, सर्वर चले गए, या कोई बहाना बना देते हैं। उसके बाद आप 3 घंटे ऑनलाइन में लगे रहते हैं, हो सकता है कि 1 से 2 दिन में आपका काम भी नहीं होता है। तो इस तरह की तकनीक से मुझे लगता है कि जानते रहना चाहिए। भले ही आपका जीनोम इंडिया परियोजना अलग है, लेकिन सब तरह की तकनीक से जुड़े रहिए। आखिर क्या है जीनोम इंडिया परियोजना? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ये इंडिया प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, और इस परियोजना में IISc बेंगलोर समेत 20 से अधिक प्रमुख संस्थान भाग भी ले रहे हैं। तो एक तो याद रखिए कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जो जैव तकनीक विभाग है, इसके द्वारा चलाया जा रहा है। इस परियोजना के पहले चरण में एक रेफरेंस जीनोम विकसित करने के लिए 1,000 व्यक्तियों के नमूने लिए जाएंगे। यह परियोजना मानव जीनोम परियोजना से प्रेरित है। इस परियोजना के लिए 3 साल की अवधि निर्धारित की गई है। कितना? 3 साल, 3 ईयर। और क्या होता है आखिर, जीनोम क्या है इसमें? तो ये कोशिका या सजीव में स्थित डीएनए के संपूर्ण सेट को इसका जीनोम जीनोम कहा जाता है। वस्तुतः शरीर के प्रत्येक कोशिका में लगभग 3 बिलियन डीएनए बेस के जुड़े जोड़े की एक पूरी प्रतिलिपि होती है, जो मिलकर मानव जीनोम बनाती है। यही है आपका जीनोम। जीनोम इंडिया परियोजना से अगर होने वाले लाभों की अगर बात करें, तो जीनोम अनुक्रमण से उत्पन्न जानकारी देश में भविष्य के मानव अनुवांशिकी अनुसंधान को अधिक सटीकता के साथ सुविधाजनक बना सकती है। इससे सस्ती लागत पर प्रमुख बीमारियों के लिए सटीक स्वास्थ्य देखभाल और निदान विकसित करने में मदद मिल सकती है। इस परियोजना में पूरे भारत से जीनोमिक आंकड़े लिए जाते हैं, इसलिए यह पूरे भारत के लिए नमूना जीन प्रतिरूप तैयार होगा। इस परियोजना के लिए डेटा सुरक्षा और साक्षात्करण उपाय भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगे, और अध्ययन में भाग लेने के लिए सहमति देने वाले सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी इस परियोजना के अलावा किसी अन्य रिकॉर्ड के लिए उपयोग नहीं की जा सकेगी। और परियोजना पूरी होने के बाद उसे समाप्त कर दिया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन की यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रतिभागियों की व्यक्तिगत जानकारी से समझौता ना किया जाए। इसके अंतर्गत डेटा सुरक्षा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए नैतिक उपायों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। ठीक है, तो यही आपकी जीनोम इंडिया परियोजना प्रोजेक्ट। ठीक है।